रविंद्र बेर्डे ने कहा दुनिया को अलविदा। वेल दोस्तों, आपको बता दें, हिंदी और मराठी सिनेमा के लिए दुखद खबर सामने आई है। एक्टर लक्ष्मीकांत बेर्डे के भाई और वेटरन मराठी एक्टर रविंद्र बेर्डे अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक्टर का कल यानी कि बुधवार को निधन हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक रविंद्र बेर्डे पिछले कई सालों से गले के कैंसर से जूझ रहे थे। सिंघम और द रियल हीरो जैसी फिल्मों में नजर आ चुके रविंद्र 78 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई सदमे में है। वेल आपको बता दें, रविंद्र बेर्डे लंबे टाइम से अपने कैंसर का इलाज मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में करवा रहे थे। जब उनके गले के कैंसर के बारे में पता चला तो तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां लगातार उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दिन पहले ही उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। हालांकि वेटरन एक्टर का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। बुधवार की सुबह रविंद्र बेर्डे को अचानक से दिल में दर्द उठा और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। वेल, आप कितना मिस करेंगे रविंद्र बेर्डे को, कमेंट करके बताइए। और इसी तरह टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।